ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक्स को डिस्कस किए थे वो था फूड रिसोर्सेज, और हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी स्टडी किए थे, और सोलर एनर्जी उसका डिस्कशन हो गया था। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अ फ्यू मोर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड, geothermal, tidal and hydropower. So these few renewable resources we will be discussing. So इस क्लास में हम लोग वायु ऊर्जा, भूतापीय शक्ति, tidal मतलब ज्वारीय ऊर्जा, और hydropower मतलब जल शक्ति, ये सब विषय में discussions करेंगे. So let us begin with wind energy. Now we must remember, wind is actually a mass of air in motion. Wind is actually a mass of air in motion, and because it is a mass of air in motion, that is why it will possess energy. So it is this energy which is possessed in a mass of flowing air which we shall utilize to produce electricity, or which we can utilize to lift water from underground sources, or which can also be utilized to grind grains. So वायु एक प्रवाहमान अस्तित्व है और जिसका अंतर्निहित शक्ति है. तो इस जो प्रवाहमान वायु है, इसका अंतर्निहित जो शक्ति, इस शक्ति से हम लोग, या फिर इस शक्ति को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं, या फिर इससे हम लोग ज़मीन का निचली भाग में जो पानी है उसका ऊपर में ला उठा सकते हैं, या फिर हम इससे कुछ पीस भी सकते हैं, जैसे गेहूं को पीस के आटा निकल सकते हैं, मकाई को पीस के आटा निकल सकते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज़ विंड एनर्जी यूटिलाइज्ड? सो टू यूटिलाइज विंड एनर्जी वी नीड अ बेसिक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ विंड मिल. अ विंड मिल इज अ जायंट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग स्टॉक एंड देयर आर ब्लेड्स. So it is quite comparable to that of a table fan. Now when the winds are blowing, the energy content of the wind causes the blades to rotate. Now these blades are connected to a gearbox. The gearbox in turn is connected to the turbine, and as a result of a few complex movement of machinery, the turbines rotate, and as the turbines rotate, it produces electricity. So how do we utilize wind energy? So to utilize wind energy, we need a windmill. What does a windmill look like? A windmill looks like a giant table fan. And in this windmill, very importantly, as the wind blows, the blades of the windmills rotate. These rotating blades are connected to a gearbox. The gearbox in turn is connected to the turbine, and as the parts within the gearbox rotate, the turbine connected to it also rotates, thereby producing power. So wind energy से हम लोग electricity कैसे produce करते हैं? जब भी तेज़ हवा देगी, वो जो windmill का जो blade है वो घूमना शुरू हो जाएगा, और उस घूमते हुए blade के साथ एक gearbox connected रहता है, और गियरबॉक्स का साथ आपका एक टर्बाइन्स कनेक्टेड रहेगा. तो जैसे जैसे गियरबॉक्स का मशीन्स घूमेंगे, क्योंकि ब्लेड्स घूम रहे हैं, और उसी के साथ टर्बाइन्स भी घूमेंगे, और जैसे जैसे टर्बाइन्स घूमेंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव है. सो दिस इज़ हाउ वी प्रोड्यूस पावर. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द पावर आउटपुट फ्रॉम अ सिंगल विंड मिल इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. सो द रिमेंबर the power output from a single windmill is not satisfactory. That is why over a large land area several windmills are installed, and such an installation of several windmills over a large land area is what we call as a wind farm, and the collective energy output from all the windmills installed in a wind farm is quite सेटिस्फैक्ट्री. सो एक चीज़ याद रखना है कि एक विंड मिल से पावर आउटपुट ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी उससे उत्पादन संभव है.
तो इसी के कारण एक बहुत बड़ी लैंड एरिया में अगर हम लोग कई सारे विंड मिल्स को लगा दें और उसका जो कलेक्टिव पावर आउटपुट है वो सेटिस्फैक्ट्री होगा। तो ये एक ऐसे व्यवस्था है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और उस ज़मीन में हम लोग बहुत सारे विंड मिल्स इंस्टॉल करेंगे और उसका जो कलेक्टिव पावर है उसको हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकली विंड फार्म। तो मतलब विंड फार्म एक बहुत बड़ा ज़मीनी टुकड़ा जिसमें बहुत सारे विंड मिल्स इंस्टॉल्ड हैं। ओके, बट वी मस्ट रिमेम्बर टू इंस्टॉल अ विंड फार्म वी नीड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड ऑल्सो we need a steady wind speed throughout the year of about 15 kilometers per hour. To install a wind farm, we must remember that we need a large land area and we need a steady wind speed of about 15 kilometers per hour. Also, that area should be free from what you can say earthquakes. It should not be flood prone. These are very essential considerations for siting of a wind farm. So for wind farm siting, first and foremost, a large land area should be available. That area should be free or relatively less prone to floods and earthquakes. And most importantly, we must have a steady wind speed of about 15 kilometers per hour. तो विंड फार्म की जगह बहुत वाइटल है। हम लोग कहीं कोई भी जगह में कोई भी फाका ज़मीन में हम लोग विंड फार्म इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो विंड फार्म्स ऐसे ही जगहों में इंस्टॉल किया जाता है जहां विंड स्पीड लगभग पूरा साल एवरेज 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, क्योंकि हवा में तेज़ी नहीं रहेगा तो विंड मिल्स घूमेंगे नहीं, विंड मिल्स का ब्लेड्स नहीं घूमेंगे। दूसरी बात यही है कि ऐसे जगह में हम लोगों को विंड फार्म्स इंस्टॉल करना है जहां भूकंप नहीं होता है और जहां बाढ़ मतलब फ्लड्स नहीं होती है। तो ऐसी जगह का सिलेक्शन बहुत वाइटल है। कोई भी जगह में हम लोग विंड फार्म्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। एंड इन इंडिया देयर आर पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर विंड एनर्जी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। मोस्टली दीज आर योर कोस्टल एरियाज, से नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु देयर इज़ अ जायंट व्हाट यू कैन से विंड एनर्जी सेंटर। सो व्हाट वी मोस्टली फाइंड दैट दीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूजिंग विंड विल मोस्टली टेक प्लेस इन एंड अराउंड द कोस्टल एरियाज। सो ये जो विंड एनर्जी को काम में लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो व्यवस्था, ये मेनली आपका तटीय अंचल मतलब कोस्टल एरियाज़ में पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ समुद्री हवा काफ़ी है। तो उस हवा में अंतर्निहित जो शक्ति उसको हम लोग काम में लगा सकते हैं। जैसे इंडिया में कन्याकुमारी नियर तमिलनाडु, इट इज़ अ पॉपुलर साइट जहाँ वायु शक्ति को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे हैं। तो दिस एनर्जी इज़ डेफिनेटली हैविंग अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ इको फ्रेंडली, the process of power production does not produce pollution, and it is an inexhaustible energy resource. So these are the advantages. It is renewable, wind energy is inexhaustible, it is eco-friendly, the process of power production does not produce any pollution, etc. So ye jo vayu shakti ko kaam mein lagana, ye bahut hi advantageous hai, isse suvidha labh zyada hai. Kya suvidhaen hain? Ek to ye ek पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा के संसाधन है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये एक इको फ्रेंडली ऊर्जा है। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हो, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कोई भी प्रदूषण नहीं होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, बट इट ऑल्सो हैज सेवरल डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, टू इंस्टॉल विंड फार्म्स you need a large land area, and in a country like India, having large lands or large land area availability is a serious issue. Then installation of the wind farm is quite expensive, so the initial costs of wind farm installations can be quite high. Third, what we find is that whenever these wind mills, the blades of the windmills rotate,
it produces tremendous sound pollution, and also it causes a disturbance in the flight path of birds. So birds may collide with the rotating blades, and in the process they may get injured or they may lose their lives. And also, since these windmills are exposed to nature, they require high maintenance. They also require high maintenance. तो वायु शक्ति को इस्तेमाल करने का असुविधाएँ भी बहुत ज़्यादा है. कैसे? पहली ज़रूरत तो ज़मीन की है, क्योंकि विंड फार्म्स इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और इंडिया में ज़मीन उतना अवेलेबल नहीं है. नंबर टू, जब जब विंड फार्म्स घूमेंगे, विंड मिल्स घूमेंगे, उससे काफ़ी ध्वनि दूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होती है, क्योंकि उससे काफ़ी आवाज़ होगी. तीसरा, पक्षियाँ इस घूमते हुए विंड मिल्स के ब्लेड्स के द्वारा इंजर्ड हो सकते हैं, उनको चोट लग सकता है, या फिर उनको मौत भी हो सकती है. और चौथा, हम लोग समस्या ये देखेंगे कि हर जगह में आप लोग विंड फार्म्स या फिर विंड मिल्स इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. और क्योंकि ये एक्सपोज टू नेचर है, विंड मिल्स तो ओपन एयर में रहेंगे, तो बारिश होगी, तेज़ धूप होगी, तो ये सब के कारण विंड मिल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है. तो ये है कुछ सुविधाएं और कुछ असुविधाएं. ओके, सो राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू विंड एनर्जी. राइट डाउन नंबर वन, राइट डाउन हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड. How is electricity produced using wind energy? How is electricity produced using wind energy? Number two. What are the advantages and disadvantages? What are the advantages and disadvantages of using wind energy? What are the advantages and disadvantages of using wind energy? Number three, what criteria must we satisfy? What criteria must we satisfy to install wind farms? What criteria must be satisfied to install wind farms? To install wind farms. Okay. इसके बाद वायु ऊर्जा के बाद हम लोग आ जाएंगे जल शक्ति में. Next we shall come down to hydro power. तो जैसे वायु एक प्रवाहमान अस्तित्व है, वैसे पानी भी प्रवाहमान है. नदियों में जो पानी बहती है वो प्रवाहमान है, और क्योंकि उसमें प्रवाह है उसका अंतर्निहित शक्ति भी होगी. तो इसी शक्ति को हम लोग इस्तेमाल करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ हम लोग जल में अंतर्निहित प्रवाहमान पानी में अंतर्निहित जो शक्ति है, उस शक्ति को इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रो पावर. सो हाइड्रो पावर इज प्रैक्टिकली यूटिलाइजिंग द एनर्जी कंटेंड इन फ्लोइंग वाटर. हाइड्रो पावर इज प्रैक्टिकली यूटिलाइजिंग द एनर्जी कंटेंड इन फ्लोइंग वाटर. सो व्हेन एवर वाटर फ्लोज इन अ रिवर, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज फ्लोइंग, डेफिनेटली इट विल कंटेन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर is to be utilized for producing power. तो अब सवाल उठता है कि ये हम लोग कैसे करेंगे. तो जहाँ भी हम लोग हाइड्रो पावर उत्पादन करेंगे, वहाँ पहले दरकार है एक बांध का निर्माण करना. जैसे माइथन आप लोग देखे होंगे, हाँ, तो उस बांध में, बांध का पीछे एक रिजर्वायर होना चाहिए जहाँ हम लोग काफ़ी परिमाण में पानी को स्टोर कर पाएंगे, नदी की पानी को. और लॉक गेट्स होंगे, और पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो ये जो गिरता हुआ पानी है, इसका अंदर काफ़ी शक्ति है, काफ़ी ऊर्जा है. तो
तो इसी ऊर्जे को काम में लगा के हम लोग टर्बाइंस को घुमाएंगे, और जैसे जैसे टर्बाइंस घूमेंगे उनसे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव होगी। सो हाउ डू वी प्रोड्यूस हाइड्रो पावर? सो द बेसिक प्रिंसिपल इज क्वाइट सिंपल। सो वी नीड टू क्रिएट अ लार्ज डैम। बिहाइंड द डैम वी विल बी क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, एंड द वाटर कंटेन्ड इन द रिजर्वायर विल बी अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, एंड दैट फॉलिंग वाटर इट कंटेन्स सफिशियंट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर विल बी यूटिलाइज टू रोटेट द टर्बाइन, एंड इन द प्रोसेस वी विल बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज हाइड्रो पावर। सो दिस हाइड्रो पावर हैज सर्टेन एडवांटेजेस एंड ऑब्वियसली सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो जैसे दूसरी शक्तियों में है, हाइड्रो पावर में भी, जल शक्ति में भी कुछ सुविधा और कुछ असुविधाएं हैं। तो पहले हम लोग कुछ सुविधाओं को देख लेते हैं। तो पहली तो ये एक पुनर्नवीकरण योग्य शक्ति ऊर्जा के संसाधन है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये असीम, इसका परिमाण असीमित है, और ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि टर्बाइन घुमाने का जो प्रक्रिया जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं उससे कोई प्रदूषण नहीं होती है, उससे कोई प्रदूषण नहीं, मतलब जल शक्ति को इस्तेमाल करके हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं होगी। तो ये है कुछ सुविधा। सो सम ऑफ द बेसिक एडवांटेजेस हियर आर, हाइड्रो पावर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ इनएग्जॉस्टेबल, एंड व्हाट वी कैन से इट इज़ इको फ्रेंडली, and the process of power production is not at all environmentally polluting. लेकिन इससे इसका काफ़ी असुविधाएँ भी हैं। पहली और सबसे बड़ी असुविधा है, हाइड्रो पावर को इस्तेमाल करने, हाइड्रो पावर बनाने के लिए हम लोगों को बड़ी बांध का निर्माण करना पड़ता है, और बांध का निर्माण से क्या क्या पर्यावरण और नदी के वास्तुतंत्र का जो समस्याएं हैं वो हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। तो जब भी हम लोग हाइड्रो पावर के असुविधाएं के बारे में लिखेंगे तो पहला और सबसे बढ़िया असुविधा यही है कि हाइड्रो पावर के उत्पादन के लिए बांध का निर्माण ज़रूरी है, और बांध से ही जितनी सारी पर्यावरण की समस्या। सो रिमेंबर एज फार एज द डिसएडवांटेज इज कंसर्न, द डिसएडवांटेज विल इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, एंड डैम कंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट हार्मफुल प्रोसेस एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद these multipurpose river valley projects. Okay, so again write down a question discuss how electricity is produced using hydropower. Discuss how electricity is produced using hydropower. Number two, what are the advantages and disadvantages of using hydropower? What are the advantages and disadvantages of using hydropower? ठीक है? So these are the two questions that you will be preparing. After hydropower, we will begin with the third energy source, that is tidal energy. तो जल शक्ति के बाद जिस ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है ज्वारिया ऊर्जा, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में tidal energy कहते हैं। तो इस tidal energy actually है क्या, और कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि दिन में दो बार समुंदर में एक बार ज्वार आता है और एक बार भाटा होता है। तो ज्वार के समय में पानी का स्तर बढ़ जाता है, और जब भाटा का टाइम आता है तब पानी का स्तर घट जाता है। तो ये जो दिन में दो बार पानी का स्तर बढ़ना और घटना, इसको काम में लगा के इसका अंदर अंतर्निहित ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, और इसी ऊर्जा को इस ज्वार में
ज्वार का अंतर्निहित ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं ज्वारीय शक्ति या फिर ज्वारीय ऊर्जा. सो टाइडल एनर्जी इज प्रैक्टिकली यूटिलाइजिंग द एनर्जी कंटेंट इन द ट्वाइस अ डे राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स. टाइडल एनर्जी इज प्रैक्टिकली यूटिलाइजिंग द एनर्जी कंटेंट इन द ट्वाइस अ डे राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स. एंड द एनर्जी कंटेंट इन दिस टाइड्स कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस वी कॉल इट एज टाइडल एनर्जी. नाउ अब क्वेश्चन ये होगा कि कैसे कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे. तो इसके लिए भी हम लोगों को बांध का निर्माण ज़रूरी है. तो एक साइट सिलेक्शन करना पड़ता है नियर द माउथ ऑफ अ बे. एक बे का माउथ में हम लोग एक बांध का निर्माण करेंगे. तो जब भी ज्वार का टाइम होगा उससे पानी उस बांध से होके पानी अंदर आएगा और उस बांध में हम लोग टर्बाइंस लगा देंगे. तो ज्वार का टाइम में जब पानी अंदर आएगा टर्बाइंस घूमेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. अब जब भाटा होगा जब पानी बाहर आएगा तब भी टर्बाइंस फिर से दोबारा घूमेंगे. तो ये जल अंदर जब आएगा तब भी टर्बाइंस को घुमाएंगे, जल जब बांध से बाहर जाएगा तब भी टर्बाइंस को घुमाएंगे. और इसको इस्तेमाल करके हम लोग दिन में दो बार इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं. तो इस तरह हम लोग ज्वारीय शक्ति को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे. सो टाइडल टू यूटिलाइज टाइडल एनर्जी वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डैम नियर द माउथ ऑफ अ बे एंड ड्यूरिंग हाई टाइड्स द वाटर विल मूव इन थ्रू द डैम एंड देयर बाई द रोटेटिंग द टर्बाइंस इंस्टॉल्ड इन द डैम्स. And when the water moves out during low tide, again the turbines will be rotated. So in this way, we will be able to rotate the turbines twice a day. Thereby, we will be in a position to produce electricity twice a day by utilizing the high tides and low tides. So iska kuch suvidha और कुछ असुविधाएं अवश्य हैं. तो सुविधा जैसे ये एक पुनर्नवीकरण योग्य शक्ति ऊर्जा की संसाधन है, ये इको फ्रेंडली है और फिर इससे इसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो प्रक्रिया है उससे कोई प्रदूषण नहीं होती है. तो ये है सुविधा. हाँ लेकिन असुविधा भी काफ़ी है. और असुविधा पहला असुविधा तो यही है कि हर जगह में हम लोग ऐसे टाइडल एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए बांध का निर्माण नहीं कर पाएंगे. तो दुनिया में ऐसे कुछ ही जगह है जैसे जहाँ इसका इस्तेमाल संभव है, क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड में कम से कम 6 मीटर का अंतर होना चाहिए. हाँ तो पानी का जो हाइट है हाई टाइड और लो टाइड में कम से कम 6 मीटर का अंतर होना चाहिए, नहीं तो आपका सेटिस्फैक्ट्रीली एनर्जी प्रोडक्शन संभव नहीं होगा. और दूसरी और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बांध निर्माण एक पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रकल्प है. तो समुद्र में भी अगर हम लोग बांध का निर्माण करेंगे तो वहाँ भी समुद्री जो वास्तुतंत्र है उस समुद्री वास्तुतंत्र पर उसका खराब प्रभाव अवश्य गिरेगा. सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस एनर्जी इज दैट इट इज़ इको फ्रेंडली, इट इज़ इनएग्जॉस्टेबल, द प्रोसेस ऑफ पावर प्रोडक्शन इज नॉट एट ऑल पल्यूटिव. दीज आर द एडवांटेजेस. बट द डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू कैनॉट इंस्टॉल tidal energy anywhere in the world. So there are only specific locations in the world where we can utilize tidal energy, because the difference between the high tide and low tide must be at least 6 meters for satisfactorily harnessing this energy. This is one disadvantage. The second disadvantage is the construction of the dam itself. The second disadvantage is the construction of the dam itself. So whenever we are constructing a dam, we will be damaging, we will be harming the ecosystem of these oceans. So these are some of the disadvantages. Now, duniya mein sabse badi tidal energy ka जो जगह है जहाँ टाइडल एनर्जी काफ़ी परिमाण में उत्पादन किया जाता है वो है कनाडा का बे ऑफ फंडी. कनाडा में बे ऑफ फंडी हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए. कनाडा में बे ऑफ फंडी, बे
of Fundy. Bay of Fundy in Canada. Now this is the largest what you can say site in the world, largest tidal power production site in the world, which is located in the Bay of Fundy in Canada. और इंडिया में भी ऐसे कुछ लोकेशंस हैं जहां हम लोग टाइडल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्च, सुंदरबन डेल्टा एट्सेट्रा. सो इन इंडिया आल्सो वी आर यूटिलाइजिंग सम प्लेसेस फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी लाइक द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्च, द डेल्टिक रीजन्स ऑफ द सुंदरबन्स एट्सेट्रा, वेयर देयर इज अ रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ टाइडल वाटर्स. Okay, so again write down a question. First write down, how is electricity produced using tidal energy? Number two, what are the advantages and disadvantages of using tidal energy? ठीक है, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टाइडल एनर्जी. इसी के साथ ज्वारीय शक्ति का लेके डिस्कशन हम लोग ख़त्म करते हैं. इसके बाद हम लोग जो और एक ऊर्जा को संसाधन को लेके आए डिस्कशन का आलोचना करेंगे वो है जियोथर्मल एनर्जी. आई एम राइटिंग डाउन द नेम, इट इज जियोथर्मल एनर्जी. सो प्लीज नोट डाउन द नेम, जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतापीय शक्ति. तो इस जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी सुविधा, इसकी असुविधा, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो जियोथर्मल मतलब पृथ्वी का सरफेस या फिर सतह के नीचे ऐसे कुछ जगह अभी तक हैं जहां पत्थर काफ़ी गर्म है. तो इस पत्थर में, इस गर्म पत्थरों में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे. और क्योंकि इस ऊर्जा हम लोगों को पृथ्वी का सतह के नीचे से मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जियोथर्मल. जियो मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब ताप, हीट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. सो जियोथर्मल एनर्जी प्रैक्टिकली यूटिलाइजेज द एनर्जी विच इज़ इनहेरेंट इन द हॉट रॉक्स, एंड दीज हॉट रॉक्स they are present below the earth's surface. These hot rocks, they are present below the earth's surface. So geo means earth, thermal means energy. So in this case we are utilizing the energy which is present inside the earth's surface, mainly in the form of hot rocks. So kaise इस जो गर्म पत्थर है, इस पत्थर की ऊर्जा को हम लोग कैसे काम में लगाते हैं? तो हम लोग एक ऐसा सिचुएशन को, एक ऐसा प्लांट को तैयार करेंगे जिससे हम लोग ठंडे पानी को पाइप के द्वारा उस गर्म पत्थर के नज़दीक और गर्म पत्थर के कांटेक्ट में लेके आएंगे. तो जैसे जैसे ठंडी पानी उस गर्म पत्थर के कांटेक्ट में आएंगे, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा और उबलना शुरू हो जाएगा. और पानी का जो वेपर है, उस वेपर को अंडर प्रेशर इस्तेमाल करके हम लोग टर्बाइंस को घुमाएंगे, और जैसे जैसे टर्बाइंस घुमाएंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन शुरू हो जाएगा. तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं प्रोसेस को. हम लोग क्या करेंगे, ठंडे पानी को उस पाइप्स के द्वारा उस गर्म पत्थर के कॉन्टैक्ट में लाएंगे. तो वो पत्थर काफ़ी गर्म है, इतना गर्म है कि उस ठंडे पानी गर्म पत्थर के कांटेक्ट में आके वो उबलना शुरू हो जाएगा. इट विल बिगिन टू बॉयल. और जैसे वो उबलना शुरू हो जाएगा, उससे स्टीम यानी वाटर वेपर का उत्पादन होंगे, और वाटर वेपर को अंडर प्रेशर इस्तेमाल करके हम लोग टर्बाइंस को घुमा पाएंगे. और जैसे जैसे टर्बाइंस घूमेंगे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा. सो व्हाट वी डू एक्चुअली, वी ब्रिंग कोल्ड वाटर into contact
with these hot rocks, obviously through pipelines. And as this cold water comes into contact with the hot rocks, the cold water becomes hot and ultimately it begins to boil. And the steam which is produced, that steam under pressure is used to rotate the turbines. And as the turbines rotate, it produces electricity. So this is how we produce electricity using geothermal energy. अब इसका भी कुछ सुविधाएं और सॉरी कुछ असुविधाएं हैं. सुविधा यही है कि ये एक पुनर्नवीकरण योग्य शक्ति का ऊर्जा का संसाधन है, कभी ख़त्म नहीं होगी. और पावर प्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है, इससे भी कोई प्रदूषण नहीं होती है. तो ये सब है सुविधा. लेकिन असुविधा यही है, दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ से जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन संभव है. और दूसरी समस्या, ज़मीन का नीचे तो आपको गर्म पत्थर मिल जाएंगे, लेकिन पानी का बंदोबस्त करना हमेशा आसान नहीं होता है. क्योंकि ज़मीन का नीचे पत्थर तो मिलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ ज़मीन का नीचे गर्म पत्थर है लेकिन पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है. तो उन सब जगहों में जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन, जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन संभव नहीं है. सो द एडवांटेजेस इंक्लूड दैट इट इज़ रिन्यूएबल, इट डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ पावर प्रोडक्शन इज़ नॉट कॉजिंग पोल्यूशन, इट इज़ इको फ्रेंडली एट्सेट्रा. But the problem is there are only a very few locations in India and the world where we can produce and utilize geothermal energy. Number two, even if you have a situation where you find hot rocks, but it is not always easy to find water. And as a result, hot rocks are there, but water is not available. So in such cases, power production using the geothermal energy is not possible. ठीक है. तो देयर आर सम प्लेसेस इन व्हाट यू कैन से इंडिया, हाँ इंडिया में ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होती है, जैसे मणिकरण, कुल्लू, सोहाना विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा एट्सेट्रा. और दुनिया में यूएसए और न्यूजीलैंड, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ सक्सेसफुली जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन चल रहा है. सो इंडिया में हम लोग देखेंगे मणिकरण, कुल्लू इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा लाइक इन सोहाना, और दुनिया के विचार में यूएसए और न्यूजीलैंड. सो इन इंडिया प्लेसेस लाइक मणिकरण एंड कुल्लू, सोहाना विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, सो दीज प्लेसेस आर बींग यूटिलाइज टू प्रोड्यूस जियोथर्मल एनर्जी. एंड If you look into the international market, there will be finding USA and New Zealand, they are quite successfully producing geothermal energy. So with that, we come to the end of geothermal energy. So again, write down a question. Please write down a question. Write down. How is electricity produced? From geothermal energy. How is electricity produced from geothermal energy? Number two. What are the advantages and disadvantages of using this energy? What are the advantages and disadvantages of using this energy? Okay, achha, with that we come to the end of geothermal energy. Now the last renewable energy resource which we shall discuss, that is biomass energy. आखिर में जो पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा के संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है बायोमास एनर्जी. बायोमास मतलब जीव भर की शक्ति बायोमास. आई एम टाइपिंग द नेम, प्लीज़ नोट डाउन, बायोमास एनर्जी. ओके, अच्छा. सो पहले हम लोग को ये समझना है कि बायोमास एक्चुअली है क्या. तो बायोमास एक जीवज वस्तु है, एक ऑर्गेनिक मैटर है
जो कहाँ से उत्पन्न होती है, या तो वनस्पतियों से या तो पशुओं से। और तो बायोमास क्या हो सकता है, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, ये कोई खेत का फसल हो सकता है, ये कोई कैटल डंग गोबर हो सकता है, ये कोई व्हाट यू कैन से सीवेज हो सकता है। तो जो भी ऐसे वस्तुएं हैं जो या तो वनस्पति से या फिर पशुओं से उत्पन्न होती है और जिसको हम लोग इस्तेमाल करके ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे बायोमास। सो बायोमास इज प्रैक्टिकली द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट कैन इंक्लूड क्रॉप रेसिड्यूज एंड एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, इट कैन इंक्लूड कैटल डंग, इट कैन इंक्लूड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। सो दैट ऑल दीज विच वी कैन यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज बायोमास। तो इस बायोमास को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग बायोमास को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो हम बताएंगे वो है एनर्जी प्लांटेशन, वो है एनर्जी प्लांटेशन। आई एम राइटिंग डाउन, आप लोग नोट कर लीजिए, एनर्जी प्लांटेशन। तो एनर्जी प्लांटेशन एक्चुअली है क्या, तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जैसे कॉटन वुड, पॉपुलर एट्सेट्रा। तो अगर हम लोग एक ऐसा एनर्जी प्लांटेशन बनाए जहां हम लोग इन सब पेड़ों को उगाएंगे, तो ये पेड़ जल्दी बढ़ते हैं, तो इसको काट के इनका जो लकड़ी, इनका जो सूखा पत्ता, इसको हम लोग जला के ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी प्लांटेशन। तो एन एनर्जी प्लांटेशन इज़ अ प्लांटेशन एक्टिविटी वेयर वी ग्रो सम फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, से लाइक पॉपुलर, कॉटन वुड एट्सेट्रा। एंड दीज ट्रीज बिकॉज दे ग्रो रैपिडली, दे आर वुड, दे आर ड्राइड लीव्स एंड ब्रांचेस दैट कैन बी बर्न्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो हमेशा जो एनर्जी का उत्पादन है वो जो हमेशा दहन करके या फिर जला के ही प्रोड्यूस करना, ऐसा कोई बात नहीं है। उस एनर्जी को हम लोग कोई गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या तो उसको फ्यूल में भी रूपांतरित कर सकते हैं। सो देयर इज नॉट ऑलवेज अ नेसेसिटी दैट वी विल बी बर्निंग वुड और बर्निंग ड्राइड लीव्स एंड ब्रांचेस। नो, वी कैन कन्वर्ट दिस बायोमास ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस, और वी कैन कन्वर्ट इट इंटू अ फ्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसका अलावा दूसरा जो मेथड है जिससे हम लोग बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पेट्रोक्रॉप्स, वो है पेट्रोक्रॉप्स। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, पेट्रोक्रॉप्स। सो इसका मतलब पहले समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ पेट्रोक्रॉप। तो ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जो लैटेक्स कंटेनिंग है, लैटेक्स कंटेनिंग मतलब जिसको काटने से लैटेक्स जैसे मटेरियल, और नहीं तो अगर आप रबड़ पेड़ के बारे में सोचेंगे जो यूफर्बिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे पेड़ों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इस पेड़ों से जो आपका एक्सट्रैक्ट्स हमको मिलते हैं उसको अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको प्रोसेस करने से वहाँ से तेल जैसा कुछ पदार्थ निकलते हैं। तो इस तेल को हम लोग बोलते हैं बायोडीजल। तो ये जो डीजल जैसे पदार्थ जो हम यूफोर्बिया फैमिली का पेड़ों से निकाल सकते हैं, उसका जो लैटेक्स है उनको प्रोसेस करके, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडीजल। और ये जो क्रॉप्स, इन क्रॉप्स जिससे हम लोग का बायोडीजल मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रोक्रॉप, मतलब जो क्रॉप से पेट्रोलियम जैसे पदार्थ उत्पन्न करना संभव है। सो पेट्रोक्रॉप्स आर प्रैक्टिकली लैटेक्स बियरिंग क्रॉप्स विच बिलोंग टू द फैमिली यूफोर्बिएसी, विच बिलोंग टू द प्लांट फैमिली यूफोर्बिएसी। एंड दीज क्रॉप्स दे कैन प्रोड्यूस सर्टेन क्वालिटी ऑफ ऑयल विच अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज क्वाइट सिमिलर टू विच कैन बी प्रोसेस्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गिव अस
what we call as biodiesel. And these biodiesels are being very popular fuel in the engines. And because these crops, they are being utilized to produce petroleum like substances, that is why we call them as petrocrops. So, ye ho gaya aapka dusra tarika. Pehla tarika tha energy plantation, dusra tarika tha petrocrops. तो एनर्जी प्लांटेशन से जो बायोमास मिलेंगे उसको हम लोग जला सकते हैं, गैस में रूपांतरित कर सकते हैं या फिर फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन पेट्रोक्रॉप से हम लोग सीधा बायोडीजल का उत्पादन कर सकते हैं. तीसरा तरीका यह है कि एग्रीकल्चरल और अर्बन मतलब खेती का काम से और शहरी इलाका से जो ऑर्गेनिक वेस्ट उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग जला सकते हैं. हाँ, तो उसको जला के भी ऊर्जा का उत्पादन संभव है. सो द थर्ड मेथड इज टू बर्न एग्रीकल्चरल एंड अर्बन वेस्ट. एंड वेन एवर वी बर्न एग्रीकल्चरल एंड अर्बन वेस्ट वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी, वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी. लेकिन ये जो बर्न करने का जो प्रक्रिया है, जलाने का प्रक्रिया, इससे वायु का प्रदूषण होती है, इससे वायु का प्रदूषण होती है. तो इसी के कारण बर्निंग ऑफ दीज वेस्ट इज नॉट वेरी पॉपुलर. सो आज का जमाने में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट हमारे पास हैं उसको हम लोग बायोगैस में रूपांतरित कर सकते हैं. हाँ, उसको हम लोग बायोगैस में रूपांतरित कर सकते हैं. कैसे? ये जो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे पास उपलब्ध हैं शहरी इलाकों से खेती का काम से, इसको ऑक्सीजन का एब्सेंस में इसको हम लोग एनेरोबिकली इसका वियोजन कर सकते हैं. हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ अनुजीव के द्वारा इसका वियोजन ऑक्सीजन का एब्सेंस में संभव है. और तभी इन जैसे वेस्ट मटेरियल से हम लोग बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं. और याद रखना होगा कि बायोगैस भी एक गैसीय संमिश्रण है जिसमें अधिक परिमाण में हम लोग देखेंगे कि मीथेन गैस है, सबसे अधिक परिमाण में मीथेन गैस है. हाँ, सो बायोगैस इज़ प्रैक्टिकली अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग दीज ऑर्गेनिक वेस्ट्स फ्रॉम द अर्बन एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर इनटू बायोगैस. सो हाउ इज़ इट डन? इट इज़ डन बाय यूजिंग सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल in the absence of oxygen. And whenever these waste materials are broken down in the absence of oxygen, it will produce biogas. And remember, biogas is a gaseous mixture which mainly contains methane. Biogas is a gaseous mixture which mainly contains methane. Aur hamare desh mein बायोगैस का मार्केट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में पशुपालन एक बहुत बड़ा जीविका है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु हमारे देश में भी है, जैसे गाय, भैंस, आपका बकरी एट्सेट्रा. तो इनसे जो गोबर उपलब्ध होती है ये एक बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग बायोगैस या फिर गोबर गैस बना सकते हैं. तो बनाने का प्रक्रिया सेम, इसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ अनुजीव का सहायता लेके ऑक्सीजन का एब्सेंस में हम लोग गोबर को गैस में, फ्यूल में रूपांतरित कर सकते हैं. और इसका मार्केट भी अच्छा है, ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल है और इसका प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, इसका प्रोडक्शन उतना एक्सपेंसिव नहीं है और इसका रॉ मटेरियल्स भी इंडिया में काफ़ी अवेलेबल है. और अगर हम लोग गोबर को इस्तेमाल करके गैस में रूपांतरित करेंगे तो गोबर से जो सामाजिक समस्याएं, जो पर्यावरण के समस्याएं होते हैं उसका भी एक हल निकल सकती है. हाँ, तो ये है बायोगैस की कुछ सुविधा. और क्योंकि ये गैस है इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है, पाइप्स के द्वारा हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो बायोगैस इज़ प्रैक्टिकली कन्वर्टिंग योर वेस्ट्स into a gas. And in India, the potential for biogas, the market for biogas is massive. Why? Because we are the country which has the largest cattle population. And these cattle, they produce a massive amount of cattle dung. This dung can be used as a fuel for producing biogas. And it is an eco-friendly fuel. We can produce it as much as we can. And once we use gobar for producing biogas, it will definitely help in the management of the problems associated with gobar and cattle dung,
And also, biogas is easy to transport because it is a gas. Through pipelines, we can cause its transportation. So now write down a question. पहले आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए. What is biomass? What are the various ways? By which biomass energy can be utilized? Then write down, how is biogas produced? Then, what are the advantages of biogas? ठीक है. अच्छा, इसका साथ और एक टॉपिक के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. वो है बायोफ्यूल्स. That is what we call as biofuels. Please note down the name. Biofuels. Okay. अच्छा, so ये biofuels हैं क्या? तो जैसे biomass को हम लोग biogas में रूपांतरित कर सकते हैं, oxygen का absence में उसको degrade करके. Biomass को हम लोग fuel में भी convert कर सकते हैं. जैसे biomass से हम लोगों को ethanol का उत्पादन संभव है, बायोमास से मिथेनॉल का उत्पादन संभव है. तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस, जैसे शुगर केन या फिर कॉर्न या फिर ज्वार, ऐसे सब्सटेंस जिसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन का एब्सेंस में कुछ अनुजीव के सहायता लेके इसको हम लोग वियोजन करके इससे इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे फ्यूल्स हम लोग बना सकते हैं. और क्योंकि इथेनॉल और मिथेनॉल हम लोग को बायोमास का वियोजन करके ही उपलब्ध हुआ है, इसीलिए इस इथेनॉल और मिथेनॉल को हम लोग कहेंगे बायोफ्यूल. सो बायोफ्यूल है क्या? बायोफ्यूल एक ऐसी फ्यूल है, जो बायोमास को ऑक्सीजन का एब्सेंस में उसका वियोजन करके उत्पादन किया जाता है. इसका उदाहरण इथेनॉल और मिथेनॉल. कैसे किया जाता है? जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, ज्वार एक्सेट्रा, इन क्रॉप्स को हम लोग ऑक्सीजन का एब्सेंस में इसका फर्मेंटेशन करके इससे इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे फ्यूल्स बना सकते हैं. So, biofuel is practically converting the biomass into fuels like ethanol and methanol. And very importantly, we can select some carbohydrate-rich crops like sugarcane, jowar, etc. And we can anaerobically degrade it. We can ferment it using certain microorganisms to produce ethanol and methanol. But biofuels, again, remember... it is a what you can say renewable source of energy. It is a clean burning fuel. Biofuel एक पुनर्नवीकरण योग्य संसाधन है. Clean burning है. Clean burning मतलब ये पूरी तरह से जल जाता है. और इसीलिए दुनिया के कुछ देशों में हम लोग देखेंगे कि गैसोलीन का साथ इथेनॉल का मिश्रण करके उसको गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्राज़ील में, जिम्बाब्वे में एक्सेट्रा. और उसको बोलते हैं गैसोहॉल. सो गैसोहॉल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड इथेनॉल. याद रखना है कि गैसोहॉल एक संमिश्रण है किसकी? गैसोलीन और इथेनॉल का. सो गैसोलीन प्लस इथेनॉल गिव्स अस गैसोहॉल. ये इथेनॉल, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, आपको समझ में आ रहा होगा. और इथेनॉल, दिस इथेनॉल कहाँ से आया? इथेनॉल एक बायोफ्यूल है. तो इनका संमिश्रण जिसको गैसोहॉल बोला जाता है, ये गाड़ियों में इस्तेमाल होते जा रहा है. तो इससे पेट्रोल का इस्तेमाल कमेगा, हाँ, कमती होते जाएगी. सो गैसोहॉल इज अ वेरी पॉपुलर फ्यूल विच इज़ बींग यूज नाउ अ डेज इन योर कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड
Zimbabwe, where they are using it as a popular car fuel. So gasohol, remember, it is a mixture of gasoline and ethanol, and this ethanol is being produced from biomass. So again, write down a question. What is biofuel? Next, how is it produced? What are its advantages? ओके अच्छा, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास को ख़त्म करेंगे। अच्छा, और इंटरनल्स के लिए हम कुछ बात बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। पहला दो चैप्टर रहेगा आपका सिलेबस, मतलब बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, ये दो चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा इंटरनल, देयर विल बी 10 MCQ क्वेश्चंस, 10 MCQ क्वेश्चंस रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको गूगल फॉर्म के द्वारा भेजा जाएगा और आप उसको ऑनलाइन भर के उसको सबमिट कर देंगे। और एग्ज़ाम मोर और लेस फेब्रवरी का लास्ट में ही होगा, आपको डेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहेंगे, ठीक है। और किसी को कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क, एल्स विल बी एंडिंग द क्लास। ओके, इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क। ओके देन, सो विद दैट वी शैल बी एंडिंग द क्लास।